दोस्तों हिंदू पुराण के अनुसार मनुष्य और 84 लाख योनियों में से कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही रहस्यमय हैं। उनमें से एक है नाग। प्राचीन काल में 30 से 40 फुट तक के नाग लोग अपनी आंखों से देखते थे। श्री कृष्ण ने जिस कालिया नाग के ऊपर नृत्य करा था वह भी लगभग इतना ही बड़ा था। मान्यता तो ये भी है कि हम जहाँ खड़े हैं वह पूरी धरती विशालकाय शेष नाग के ऊपर है। और दोस्तों महादेव शिव को तो नागों से बहुत प्यार है। आज की यह सच्ची घटना महादेव शिव और ऐसे ही विशालकाय नाग पर आधारित है। सच्ची घटना सुनने से पहले एक छोटी सी विनती जरूर करेंगे। महादेव के जो भी सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा देना। तो दोस्तों यह घटना घटी पाकिस्तान में रहने वाले बलविंदर जी के साथ, जो महादेव शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी मौका मिलता वो उमरकोट में 1000 साल पुराना महादेव शिव का जो मंदिर है उसके दर्शन करने जरूर ही जाते। परंतु बलविंदर जी के गांव के आसपास कोई भी शिव मंदिर नहीं है और उमरकोट के शिव मंदिर जाने के लिए उन्हें जंगल का 15 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ये बात 2013 की है। सावन का महीना चल रहा था और शिवरात्रि के सुबह सुबह बलविंदर ने उमरकोट के शिव मंदिर के दर्शन की सोची। वह बाइक लेकर निकल पड़े जंगल के रास्ते। परंतु अभी कुछ किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय ही करी होगी कि बाइक अचानक बंद पड़ गई। बलविंदर ने यह जानने की कोशिश करी कि आखिर हुआ क्या है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बाइक वहीं खड़ी करके पैदल ही शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा। दोस्तों बरसात का मौसम था, ऐसे में जंगल में कीड़े मकोड़े सांप इत्यादि का दिखना एक आम बात है। ऐसा ही कुछ हुआ बलविंदर के साथ। दरअसल सावन के महीने में कई जहरीले सांप जंगल में घूमते हैं और अचानक से बलविंदर के रास्ते पर भी एक बहुत ही जहरीला कोबरा सांप फंद फैलाए रास्ते पर आ बैठा। बलविंदर उसको देखते ही डर गया। उसे पता था कि अगर मैंने सांप के सामने जरा सी भी कोई हरकत करी तो यह मुझे डस लेगा। दोस्तों जब हर तरफ से रास्ते बंद दिखे तो उस एक शक्ति को याद कर लेना चाहिए जो सबके लिए रास्ता बनाता है। बलविंदर ने भी यही किया। उसने महादेव को मन ही मन याद करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आज ये तेरा भक्त संकट में है। प्रभु आज तुम्हें अपने इस भक्त को बचाने आना ही होगा। और ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करने लगा। दोस्तों तभी बलविंदर ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। उसने अपने सामने एक विशाल नाग की परछाई देखी। मानो बलविंदर के पीछे कोई बहुत ही विशाल शेष नाग स्वयं खड़े हो। परछाई काफ़ी बड़ी थी और साफ साफ नज़र आ रही थी कि कोई 7 मुख वाला सांप पीछे खड़ा है। बलविंदर ने उस समय तो पीछे नहीं देखा क्योंकि उनके सामने कोबरा सांप था, परंतु ऐसा लग रहा था मानो उस कोबरा सांप ने बलविंदर के पीछे कुछ देख लिया है और वह डरकर तुरंत झाड़ियों की तरफ भाग गया। जैसे ही कोबरा सांप वहां से भागा, बलविंदर ने तुरंत अपने पीछे देखा कि आखिर वो चीज़ है क्या। परंतु सामने सिर्फ जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं था और वो परछाई भी गायब हो चुकी थी। परंतु बलविंदर के यह तो समझ में आ चुका था कि वह विशाल सांप कोई और नहीं स्वयं शेषनाग ही थे, जिन्हें महादेव शिव ने बलविंदर की रक्षा के लिए भेजा था। बलविंदर शिव मंदिर पहुंच भगवान शिव के सामने नतमस्तक हो गए क्योंकि भगवान शिव ने उसकी जान बचा ली थी। घर पहुंच जब उसने यह बात अपने दोस्त और नज़दीकी लोगों को बताई तो उसकी बात पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ और अधिकतर यही सब लोग कहने लगे कि इसको तो भ्रम हो गया है। परंतु दोस्तों आपको क्या लगता है, जो बलविंदर ने देखा वह स्वयं शेषनाग ही थे या बात कुछ और ही थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।